नमस्कार, मैं हूं सतीश यादव और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज 24। आज हम यहां पर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के गेंडीखाता स्थित क्षेत्र में आए हैं और यहां पर एक सनातन धर्म संस्कृति का एक बहुत ही प्राचीन यहां पर मंदिर है। तो यहां के बारे में हमने सुना था, कुछ बताया गया था। तो आज हमारी टीम जो है उन्नति न्यूज 24 की टीम पहुंची है यहां पर यहां के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो यहां पर जो महंत हैं, यहां पर जो पुजारी जी हैं और यहां पर जो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, तो यहां पर एक इतिहास जानने के लिए यहां पर हम पहुंचे हैं। तो हम आपको यहां पर पूरा दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए उन्नति न्यूज 24 के साथ। सिद्धखुटी मंदिर है यहाँ पर, ये स्थान है एक सनातन संस्कृति का बहुत ही पुराना, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर जो 600-700 साल का जी 600 से लगभग 700 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पंडित जी और यहाँ पर जो महंत है पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ का इतिहास बताएंगे। जी पंडित जी बताएं। ये जो है सिद्धखुटी आश्रम आचार्य गद्दी है, आचार्य गद्दी हमारे यही है। यहाँ पर सभी संत आते हैं, सभी संत जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनकी सेवा होती है यहाँ पे संतों की। बाबा बालकदास जी आप विराजमान हैं गद्दी पे, इनकी व्यवस्था है सब, यहाँ जितनी भी व्यवस्था है बाबा बालकदास जी महाराज की है जी। जैसा कि पंडित जी ने बताया यहाँ पर जो बालकनाथ जी यहाँ जो है बाबा बालकदास जी महाराज जी, तो महाराज के बारे में यहाँ पर बताया पंडित जी ने, और भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप। जिनकी व्यवस्था है उनके अंडर में है, बाबा बालकदास जी महाराज ही है। अच्छा, वर्तमान में ही है जी। वर्तमान में जो यहाँ पर बाबा जी है बालकनाथ जी, तो वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे हम थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, पूछना थोड़ा सा जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए महाराज जी। सिद्धकुटी आश्रम है ही है जी। प्राचीन आश्रम है, लगभग कितना पुराना है? लगभग ये 400-500 वर्ष का है। 400 से 500 वर्ष, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महाराज जी है। तो इन्होंने बताया कि 400 से 500 वर्ष पुराना यहाँ पर स्थान है। और भी हम आपको दिखाएंगे आगे, तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर ये तस्वीर वगैरह है, जिस तरह से यहाँ पर उकेरी गई है, तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जी। में शंकर अवतार श्री चंद्र जी महाराज जी, बताएंगे माता सुलक्षणी जी की गोद में शंकर अवतार श्री चंद्र जी महाराज जी। ये इस मूर्ति के बारे में जो आपने बताया, ये छोटे रूप में जी, इस रूप में जी, ये बाबा श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन बाबा बाल भगवान जी महाराज जी सिद्धकुटी आश्रम हरिद्वार जी। जो विस्तार है, जो ये आप देख रहे हो सब, ये सब विस्तार है जी। तो ये यहाँ पर कैमरा मैन दिखाएं जरा, यहाँ पर लिखा है श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन बाबा बाल भगवान जी महाराज सिद्धकुटी आश्रम हरिद्वार उत्तराखंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मलीन है जो महाराज जी की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं जी। 2005 जी, 2005 में ब्रह्मलीन हुए हैं, उनके बारे में इस तरह का ये बता रहे हैं यहाँ पर। ये भी जी, यहाँ पर एक श्री श्री 1008 बाबा बाल भगवान जी महाराज जी, यहाँ पे भी दिखा देंगे श्री श्री 1008 बाबा बाल भगवान जी महाराज जी है यहाँ पर। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, पोस्टर बनाया गया है ये जी यहाँ पर। बाबा श्री चंद्र भगवान जी तक्षशिला पर रावी नदी पार करते हुए स्थान चंबा, ये यहाँ पर तस्वीर इस तरह से शिला इन्हें पार करनी थी नदी जी, तो उन्होंने दिखाई दिया इन्होंने शिला फेंकी। अच्छा, शिला तैरी हु। अच्छा, ये ही उतर के ये पार हो, ये तैरती हुई शिला है यहाँ पर, जो जिस तरह का चित्र दिखाया गया यहाँ पर तैरती हुई शिला है। तो ये उस तैरती हुई शिला पर ही, मतलब वो तैरती रही शिला, और ये यहाँ पर चढ़कर ही मतलब क्रॉस हुए हैं नदी, इस तरह का यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं जी। यहाँ पर एक और ये मूर्ति यहाँ पर उकेरी गई है, इसके बारे में जरा बात करेंगे, तो ये बताएंगे पंडित जी के बारे में। भगवान जी तब कर रहे हैं योगिनी आगे अपना विराट वैसा रूप करके जी, तो ये तो अंतर्यामी है, इन्होंने पहचान लिया उसे जी। तो फिर असली रूप मारी क्षमा मांगी उनसे, इन्होंने फिर से जी। तो क्या उपदेश दिया था यहाँ पे इन्होंने? उद्धार करा इसका, कल्याण। अच्छा, कल्याण किया था, उद्धार किया था। हाँ जी, जैसा क्या है इस मूर्ति के बारे में जरा बताएं। बाबा चिंतन भगवान जी उदासी हुए जी, उदासी पंथ को इन्होंने चलाया जी, उसका पालन करा जी। तो इनके ये भतीजे हैं। अच्छा, इनके भाई जो आकाश मार्ग से आ रहे हैं जी जी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने लंबी बांह करके इन्हें उतारा। अच्छा, क्योंकि ये तो साजिश का है नहीं जी जी, तो ये बच्चे को भी ले जा रहे हैं, तो इनकी वेदी जो इन्होंने जो चलाया जी, तो भतीजे को ले जा रहे हैं। अच्छा, ये
वेदी वंश के। ये जो विराट रूप देख रहे हो इसमें नीचे जो है जो गद्दी आसीन है ना जी जी बाबा बालक दास जी महाराज जी ऐसे थे तो थोड़ा बीमार हो गए थोड़ा जी जी स्वास्थ्य खराब हो गया पर देख जो महाराज जी से हम स्टार्टिंग में मिले हैं वीडियो के शुरू में ही हमने आपको दिखाया जो महाराज जी बैठे हुए हैं तो बाबा बालक दास जी हैं इस तरह के अभी उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है तो इस तरह पर बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं मंदिर हैं तो हम और भी बात करने की कोशिश करेंगे नारद मुनि जी को उपदेश कर रहे हैं जी फोटो जी 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 नारद मुनि को जो उपदेश कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे शिवलिंग जी क्या पूजा करते हैं जल चढ़ाते हैं आरती होती है सुबह शाम उनकी तो पंडित 6 बजे आरती होती है शाम को 7-8 बजे आरती होती है। अच्छा पंडित जी ये बताएं ये मतलब जो स्थान है यहाँ पर इनका महादेव जी का तो ये कब मतलब कब का स्थित है यहाँ पर ये जो है प्राचीन ही है बाबा बाल भगवान जी का ही जी करा हुआ है अच्छा। लेकिन चेंज होते रहते हैं खंडित हो जाते हैं अच्छा। खंडित होने पर चेंज कर देते हैं लेकिन ये स्थान है वो पुराना ही पुराना जी जी तो एक अंदर की आपको थोड़ा सा दिखाएंगे बाबा जी के समय का है बाबा जी ने इसकी स्थापना करी है बाबा बाल भगवान जी ने प्राचीन यहाँ पर बहुत ही प्राचीन जो यहाँ पर शंकर जी की एक लिंग है वो स्थान यहाँ पुराना ही है लेकिन यहाँ पर जो है ना जैसे कभी खंडित हो जाते हैं तो उनको चेंज कर दिया जाता है इस तरह का पंडित जी बता रहे हैं और भी अंदर की जो मूर्तियाँ हैं पर यहाँ पर एक ये धुना है यहाँ पर तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं ये अखंड धुना है जी यहाँ भगवती लगाई जाती है सबको भगवती दी जाती है जी और ये जो आप देख रहे हो श्री चंद्रकुटी ये यहाँ पे जो भी मनोकामना जो भी भगत आते हैं मात मारते हैं उनकी अरदास बोलते हैं उनकी मनोकामना सब पूरी होती है यहाँ पे और फिर उनकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर भंडारे करते हैं जो उनको अच्छा लगता है जी ये यहाँ पे मनोकामना सिद्धेश्वर ये मंदिर है यहाँ पर जो भी मतलब आते हैं हमारे यहाँ पर जैसे जो हमारे भक्तगण हैं वो तो जो मन्नत मांगते हैं जो मन्नत उनकी पूरी हो जाती है तो इस तरह का ये पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बाद में फिर अपना भंडारा करते हैं या जिसकी जैसी भी मतलब जो श्रद्धा है वो यहाँ पर अपना जो दान पुण्य वगैरह वो करते हैं थोड़ा बात करेंगे ये बाबा बाल भगवान जी की समाधि है जिन्होंने ये सब विस्तार करा है जो भी बिल्डिंग बनाई है जो भी आसन बना सब बाबा बाल भगवान जी की करिश्मा है जी तो यहाँ पर ये मतलब कि समाधि है आप देख सकते हैं ये समाधि है यहाँ पर 2005 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था जी उसके बाद जो है बाबा बाल भगवान जी आसन जी ये और इनके भी बहुत चमत्कार है जी तो यहाँ पर जो महाराज जी की आप तस्वीर देख रहे हैं इन्होंने जो है 2005 में ब्रह्मलीन हो चुके हैं तो यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर उनकी समाधि है और इनके बहुत सारे चमत्कार हैं उनके बारे में हम आपको बात करेंगे ये पंडित जी इस तरह का बता रहे हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये पूरी स्थापना जो कराई थी ये बनने की व्यवस्था भी है ये जो स्थान है यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा खाली फील्ड इसमें सत्संग भी होता है और यहाँ पर रहने की व्यवस्था है इस तरह का पंडित जी यहाँ पर बारह बारह हज़ार भी यहाँ पर बोलते हैं और भी यहाँ पर इसके पीछे क्या है मुझे आप कैमरा जी यहाँ से पीछे का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को आ जाए एक बार और दिखाया पूरा यहाँ पे पूरा एक ग्रीन एरिया दिखा दीजिए एक बार बहुत अच्छे से बनी बने जी जी पूरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा है देखने बहुत ही अच्छा सुकून है यहाँ पर सनातन संस्कृति की यही पहचान है कि कहीं भी कुछ भी है अगर तो वहाँ पर सुकून और सिर्फ सुकून ही मिलता है जो है नहाने की व्यवस्था है सबके भक्तों की और यहाँ पर आप यहाँ पे एक जिस तरह का जल स्रोत यहाँ पर हम देख रहे हैं वो जल स्रोत भी हम आपको दिखाएंगे बने रहिए आप लोग हमारे साथ आप देख सकते हैं जी यहाँ पर एक जल स्रोत है वहाँ से कंटिन्यू पानी आ रहा है इस तरह का तो ये बहुत ही ठंडा और बहुत ही स्वच्छ आप देख सकते हैं सनातन संस्कृति के बारे में जानना और फिर उसको फॉलो करना बहुत ही बड़ी बात है आज के टाइम इस तरह का आप दिखा दे दीजिए एक बार यहाँ पर और दिखाइए पूरा नज़ारा दिखाइए बाहर का बहुत ही अच्छे से जी दर्शकों इस तरह का लग रहा है यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कहाँ पर हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर हमें खुद ही अच्छा लग रहा है तो आप लोग देख कर ही आप महसूस कर सकते हैं कि जहाँ पर मतलब सनातन संस्कृति की शक्ति होती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक जो हमारी आत्मा है वो तृप्त हो जाती है तो इस तरह का यहाँ पर हमें माहौल भी लग रहा है और ये जो पंडित जी हमारे साथ है वो और यहाँ के बारे में बताएंगे ये भी नीचे ये मंदिर का बैक एरिया है यहाँ पर यहाँ से देखिए कितना ऊँचा बना हुआ है काफ़ी पीछे से और पूरा एकदम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शायद बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर है बंदर तो बहुत जी आप बंदर भी देख सकते हैं यहाँ पर
और ये पूरा यहाँ पर एरिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून वाला एरिया है। बच्चे यहाँ पर मौजूद है, ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और ये मंदिर के दर्शन करने आए, तो ये बच्चों से राम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस है और मैं सबलगढ़ से आया हूँ जी। कितनी दूर है यहाँ से सबलगढ़? दो चार। अच्छा, तो आप लोग पैदल आए किसी सवारी से आए? पैदल जी। तो पैदल यहाँ पर आप डेली आते हैं? अच्छा, जब मन होता है, जब जैसे सुकून पड़े। अच्छा, किस लिए आते हैं यहाँ पर मंदिर? अच्छा, घूमने के लिए। तो घूमने में अच्छा लगता है? अच्छा, तो पढ़ाई करते हैं आप लोग? क्या बनने की कोशिश करेंगे पढ़ाई करने के बाद? पुलिस। देखो, बच्चे ने बताया है कि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, वो बता रहे हैं सबलगढ़ से आए हैं, 2 से 3 किलोमीटर दूर है, पैदल आए हैं लोग। तो हमने इनसे पूछा है कि आप पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे, तो बता रहे हैं वो पुलिस। ये दूसरे एक बच्चे और मौजूद है हमारे साथ, उनसे जरा हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लवीश कुमार। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? आप सबलगढ़ से। सबलगढ़ से आप भी आए हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। अच्छा, 10th में। ऐसा तो लग नहीं रहा कि एज होगी 10th की आपकी, तो बहुत जल्दी 10th में आ गई। चलो, बहुत अच्छा है, अब कम एज में आपने 10th क्रॉस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर बनना चाहेंगे। इंजीनियर? किस चीज़ के इंजीनियर? बस मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, मैकेनिकल, जो कुछ सही करने वाले या फिर रिपेयरिंग करने वाले, कोई गाड़ी वगैरह का या उस तरह का, है ना? और कौन कौन है घर में लोग? बस पापा हैं और मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा, बच्चों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर किस तरह का लगता है मंदिर में जब आप लोग आते हैं यहाँ भ्रमण करने, और तो किस तरह का लगता है? बहुत अच्छा, मतलब सुकून मिलता है इस तरह का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे हैं और समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति और यहाँ पर सनातन धर्म मौजूद है, तो इस तरह का यहाँ पर किस तरह से का सुकून मिलता है और लोग किस तरह से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं मंदिर में। यहाँ पर एक जो अन्नपूर्णा माता की जो हम बोलते हैं खाने पीने का जो सिस्टम रहता है, तो यहाँ पर कैंटीन मौजूद है। यहाँ पर देखो भोजन बन रहा है, और ये यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उन सभी को लगभग भोजन कराया जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा खाना बन रहा है। ये खाना ज़्यादा से ज़्यादा प्रायः विलुप्त हो चुका है, और ये जो सेलेक्टेड जगह ही है वहाँ पर ये खाना मिलता है। बाकी शहरों में और गांव में भी अब इस तरह का खाना नहीं मिलता है। सब जो है जी, ये पुराने समय से ही यहाँ पर परंपरा है इस तरह की, कि यहाँ पर खाना जो है इसी तरह से लकड़ी और ये चूल्हे पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा तवा है जी, चूल्हे पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, कितना बड़ा सिस्टम बनाया गया है। ये जो बना रहे हैं यहाँ पर, उनसे थोड़ी सी बात करें, बोल नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी। अभी यहाँ पर जो खाना बना रहे हैं ये बोल नहीं सकते हैं, ये हमारी आवाज़ तो सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मेरा चैनल पर जाएगा, सेवक है यहाँ पर। और ये बहुत ही, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा हो इनके साथ। और ये एक तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, खाना बनाने का मतलब और खाना लोगों को देने का, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। तो यहाँ पर जो एक और भैया मौजूद है जो खाना यहाँ पर बना रहे हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे बने रही आप लोगों के साथ। अच्छा, ये बताएं खाना लगभग कितने लोगों का खाना बनाया जाता है यहाँ पर? जी, यहाँ पर जितने लोग आ जाए, 100-200 जितने भी आ जाए, सभी भक्तों को भोजन करवा के यहाँ से भेजा जाता है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा यहाँ पर कि कितने लोग लगभग एक दिन में लगभग आते होंगे? जी, यहाँ पर 50-100, कभी कभी 500-1000, यहाँ तो मेला भी लग जाता है देखते देखते ही। अच्छा अच्छा, और यहाँ मतलब भंडारे भी होते रहते हैं पूर्णिमा में, काफी समय में तो मार में लग जाते रहते हैं, तो यहाँ मेला लगा रहता है। जी जी, बराबर। तो ऐसा कि यहाँ पर बता रहे हैं ये कि यहाँ खाने का कोई इस तरह का सीमित नहीं है कि इतने लोगों का बनना है। जो भी भक्त आएंगे, 1000 आए, 2000 आए, 10 आए, 50 आए, लगभग सभी के लिए खाने की व्यवस्था पूरी रहती है यहाँ पर, इस तरह का ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर। और ये मतलब हम भंडार भी देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत भरा हुआ भंडार है, पूरा सब कुछ है यहाँ पर इस तरह का। यहाँ पर जो बता रहे हैं ये, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये जो रोटियाँ बन रही हैं इस तरह की रोटियाँ। आप देख सकते हैं ये मंदिर की चोटी दिखाइए, वहाँ पर जो झंडा फहरा रहे हैं, वहाँ से ऊपर से लाइए कैमरा मैन, बिल्कुल नीचे तक लाइए। और ये प्राचीन मंदिर की बहुत ही बड़ी व्यवस्था यहाँ पर है। प्राचीन मंदिरों का तो देखने का एक अलग ही आइडिया है, और लगता है कि हाँ ये बहुत पहले बनाया गया है। इसके साइज हाइट के हिसाब से लग रहा है। अब नीचे पूरा घुमा दिए एक बार, पूरा अच्छे से दिखाइए जी, देखते पूरा मंदिर आप देखिए, पूरा प्रांगण है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर जी। और आ जाए ये जो यहाँ पर एक झूला यहाँ पर लग रहा है, इसके बारे में भी हम पंडित जी जानकारी देंगे। और ये जो पीपल का पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी पुराना लग रहा है, ऊपर तक दिखा दीजिए, काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा है, इसके बारे में पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी आपको इसमें जी पंडित जी, ये जो यहाँ पर है इसके बारे में जरा हम बता दीजिए, छोटी सी बिल्डिंग है, इसके बारे में जरा बताएं।
जिसे बोलते हैं कुठार, वो सामान है हमारा, इसमें रखते हैं। अच्छा, जो कुठार बोला जाता है सबसे पुराना कुठार है बाबा जी ने। ये धुना बाबा बालक दास जी ने धुना जी जी, ये भी विस्तार बहुत सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसका एक बार यहाँ के बारे में जरा बता दीजिए। ये धुना है, आप धुना के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसकी पूजा होती है धुने की जी। तो ये यहाँ पर जो अग्नि यहाँ पर प्रकट हो रही है, कंटिन्यू जलती रहती है। ये अग्नि जलती रहती है, शादी भी रहती है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी शक्ति है, दूध जो है वो किसी निकलने लगा था, इस तरह का यहाँ पर पड़ी है कहना। उस तरह का यहाँ पर जो शक्ति है वो दिखाई जी। ये भी एक कोठार है, इसमें जो धुना भी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सब्जी वगैरह है वो रखी हुई है यहाँ पर, इसको भी कोठार ही बोलते हैं जी। ये स्रोत है इधर जी, जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये स्रोत है और यहाँ पर जो हम चल रहे हैं यहाँ पर ये गुफा का एरिया है। इधर जब हम सीढ़ी पार करके जाएंगे तो स्रोत परमानेंट चलते हैं। अच्छा, ये परमानेंट चलते हैं स्रोत, 12 महीने चलते हैं ये स्रोत। यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये यहाँ का चमत्कार है, ये यहाँ का चमत्कार है। मंदिर के नीचे से आते हैं जो जल स्रोत है, ये कभी बंद नहीं होता है, ये बंद नहीं होता जी। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, यहाँ पर लगातार पानी जो चलता रहता है, जल है वो चलता रहता है और ये मंदिर के नीचे से ही निकलता रहता है। एक्चुअली यहाँ पर पता भी नहीं है आखिर आता कहाँ से है, ये पंडित जी इस तरह का बता रहे हैं। इस जल को अगर रख भी लेंगे जी 20 दिन जी, तो ये खराब भी नहीं होता जी। तो ये जल के बारे में बताया गया है कि अगर 1-2 महीने भी रख लिया तो ये खराब नहीं होता, ये बहुत बड़ी यहाँ पर विशेषता है। ये यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर गाय वगैरह भी पाली जाती है, भूसा वगैरह भरा जाता है, उनके लिए चारा है, वो चारा भरा जाता है यहाँ पर। तो ये पूरा एरिया गौशाला के लिए ही है यहाँ पर। तो प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं मंदिरों में अभी भी मौजूद है, गांव में शहरों में शायद धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, लेकिन मंदिरों में अभी भी सनातन संस्कृति से रिलेटेड। यहाँ पर ये जो देखो पानी पीने के लिए लगाई गई है टोटी, अभी यहाँ पर ये बंद की हुई है जी। ये सब जो जी जानवरों के लिए पूरा जो यहाँ पर है, जानवरों के अगर जंगल से भी कोई आते हैं जैसे कुत्ते वगैरह बिल्ली हो, वो लोग यहाँ पर पानी पी सकते हैं। ये पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपको जी पुराने सब, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आम के सब जी, ये सब बाबा बाल भगवान जी के लगाए हुए हैं जी। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं बाल जो बाबा भगवान जी थे, बाल भगवान जी, उन्होंने यहाँ पर ये पेड़ उगाए थे। तो ये काफ़ी पुराने 400-500 साल पुराने पेड़ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अच्छा सुकून है जी। अमरूद के पेड़ हैं, फूल ये कनेर के हैं जी। और ये जितना भी एरिया सब जो सिद्धकुटी का एरिया है जी, ये पूरा एरिया मतलब सिद्धकुटी में ही आता है, पूरा एरिया सिद्धकुटी में ही आता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो पेड़ है सब उनके लिए ही है, मतलब सिद्धकुटी के लिए। हाँ, जो भी पेड़ लगा रखे हैं, जो फल होता है ना इनका जी जी जी, जो फल इसमें पैदा होता है सभी भक्तों को दिया जाता है, ना कि बेचते हैं। नहीं जी, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह का पंडित जी बता रहे हैं, जो भी फल यहाँ पर अमरूद के हो गए, आम के हो गए, कोई भी अगर है तो ये बेचा नहीं जाता है, एक्चुअली प्रसाद के रूप में दर्शकों को या यहाँ पर जो हमारे भक्तगण हैं वो लोग आते रहते हैं उनके लिए ही दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, ये यहाँ पर एक गुफा है, गुफा के बारे में बाबा श्री चंद भगवान जी का धुना जी, यहाँ पर है ये धुना, और ये धुना के बारे में भी बताएंगे पंडित जी। बाबा श्री चंद भगवान जी ने यहाँ तक करा है जी। तो ये आप धुना देख रहे हैं यहाँ पर, बाबा श्री भगवान चंद जी ने जो है यहाँ पर तप किया था, और ये धुना यहाँ पर लगा हुआ है उसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं हमें। ये प्राचीन धुना जी, प्राचीन धुना है यहाँ पर इस तरह का, ये बता रहे पंडित जी। अब दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर गुफा की ओर, जा रहे हैं हम लोग नीचे और पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है और पंडित जी मौजूद है यहाँ के मंदिर के
जो सिद्धकुटी मंदिर है उसके पंडित जी मौजूद हैं, नंगे पर यहाँ पर जा रहे हैं और सीधे आप देख सकते हैं नीचे उतर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये गुफा के बारे में यहाँ पर पंडित जी जानकारी देंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये जी गुफा के बारे में पंडित जी बता रहे हैं, आप देख लीजिए छोटी सी जगह है, ये गुफा है जी, यहाँ पर ये गुफा है और गुफा आप देख सकते हैं इसमें जो तप करते थे महाराज जी जी हाँ। तो इस तरह ये यहाँ पर गुफा है।